खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली इसी रिश्ते में आने की। जहाँ तक मेरी फेंट मेमोरी है, मैं नहीं आया उसी रिश्ते में पहले, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे सारी कैसी सारी चीज़ें होती हैं। Discovered it today and I'm very happy that I'm doing a Z show after a long time. मैं एक्चुअली कोई भी कैटेगरिकली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव जस्ट जॉइंड जी टी वी एंड दिस शो हैज़ बीन आई एम डूइंग दिस शो सिंस ओनली टू एंड हाफ मंथ्स आई गेस, सो आई डोंट थिंक सो आई एम एलिजिबल फॉर अ नॉमिनेशन, बट लेट्स सी। आई थिंक जी टी वी इज़ अ पायनियर इन मेकिंग टी वी शोज एंड यू नो, मुझे याद है जब बचपन में स्कूल से आके हम लोग जी टी वी देखते थे, क्योंकि जी टी वी ही हुआ करता था और कोई चैनल ही नहीं होता था, और एक जी हॉरर शो आता था, आई यूज टू वॉच दैट शो अ लॉट। सो देर आर मैनी आइकॉनिक शोज ऑन जी लाइक हम पांच एंड अदर शोज जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और जो मेरी बचपन की यादों से जुड़े हुए हैं। सो या आई थिंक जी के लिए एक स्पेशल कॉर्नर है मेरे हार्ट। अभी जर्नी के लिए तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं मुझे जर्नी के लिए, बट आई एम क्वाइट हैप्पी कि ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इट्स क्वाइट चैलेंजिंग टू यू नो एंटर समवन एल्सेस शूज, बट द ट्रांजिशन वाज स्मूथ एंड पीपल एक्सेप्टेड इट एंड पीपल आर वॉचिंग इट, सो आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड। Frankly speaking, I was not really comfortable to do an ongoing show. कोई भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती थी तो मैं मना कर देता था अप फ्रंट, लेकिन ये बालाजी था और प्लस ये शो काफ़ी टाइम से चल रहा था और काफ़ी लोग देख भी रहे थे इस शो के बारे में, और मैंने काफ़ी कुछ सुना भी था, ऑल्दो मैंने कभी देखा नहीं था पर्सनली, बट जब मुझे अपॉर्चुनिटी आई और जब मुझे ये कैरेक्टर मैंने सुना तब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि अब इस कैरेक्टर में बहुत कुछ है करने को, और बहुत कम ऐसे मेल एक्टर्स होते हैं जो जिनको जस्टिस मिल पाता है टेलीविजन पे, सो आई थिंक आई वाज अ लकी वन। We'll be right back.